अब तक हमने हजार तक की संख्याओं के बारे में पढ़ा और जाना। अब क्या करेंगे? अब तुम भी 5 अंकों वाली कुछ संख्याएं बनाओ और कुछ संख्या लो और संख्याएं बनाओ और इन संख्याओं को शब्दों में लिखो और अपने साथियों के साथ शिक्षकों को दिखाओ। इन संख्याओं को अंकों में लिखो। यहाँ पे शब्दों में जो संख्याएं दी हुई हैं उन्हें क्या करना है, हमें अंकों में लिखना है। 25,399, 25,399, 91,253, 91,253, 39,905, 39,905, 39,905, 5 में दहाई के संख्या में 0 रहेगा क्योंकि सिर्फ 5 है ना, तो 5 इकाई में चले जाएगा और दहाई में 0। 40,079, 40,100 वाला कुछ शब्द में दिया है क्या, शब्दों में नहीं दिया है, तो 100 के स्थान पे सैकड़े के स्थान पे क्या होगा, 0। 40,079, 89,000, 89,000, 1,000, 10,000, 79,000, 72,009, 72,009, 72,009। स्थानीय मान, अब क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मानों के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण दिया है क्या, 48,567 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो और संख्या का विस्तारित रूप भी लिखो, है ना। तो अंक दिया हुआ है, इसी अंक को एक तालिका के रूप में दिया हुआ है, उसका स्थान दिया हुआ है, कौन कौन से अंक कौन कौन से स्थान में होगा और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी जानते हैं। अंक लिखा हुआ है, अंक को इकाई से लेकर, इकाई से शुरू करके, यहाँ इकाई से शुरू करके लिखते हैं, है ना। तो इकाई में 7 है, 7 पहला हो गया, 6, 6, 5, 5, 8, 8 एंड 4, 4। उल्टे से शुरू करके हमको अंकों को इस पे तालिका में लिखना है। अब स्थान में क्या क्या है, हमको पता है कि 7 कौन से स्थान में है, इकाई में, 6 कौन से स्थान में है, दहाई में, 5 कौन से स्थान में है, सैकड़े में, 8 किस में है, हजार में, और 4 किस में है, 10,000 के स्थान में, है ना। तो स्थानीय मान क्या क्या होगा, 7 इकाई में है तो इंटू में 1 आ जाएगा, गुणा करके 1, 6 किस में है, दहाई, दहाई मतलब कि 10, 6 × 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। 5 को स्थानीय मान क्या होगा, सैकड़े में है, सैकड़े मतलब 100, 5 × 100 = 500। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, हजार, है ना। तो स्थानीय मान क्या होगा, 8 कौन से स्थान में, हजार के स्थान में, तो स्थानीय मान क्या हो गया, 1,000 × 8 = 8,000। 4 किस कौन से का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 10,000 का, 4 कौन से स्थान में, 10,000 वाले स्थान में है, तो 4 × 10,000, 4 × 10,000, 4 × 10,000 = 40,000। संख्या 48,568 का विस्तारीय रूप 40,000, धन 8,000, धन 500, धन 60, धन 7। दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ और संख्याओं का विस्तारित रूप भी लिखो। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसको इसी प्रकार से तालिका बना करके उनके अंकों को, उसके स्थान को और उनके स्थानीय मान को लिखना है। पहला क्या दिया हुआ है, 25,462, 25,462 ये एक संख्या दी हुई है, इसके अंक स्थान
स्थान और स्थानीय मान हमें निकालना है। अंक मतलब कि स्थानीय मान बताना है हमको, तो पहले अंक लिखते हैं, फिर कौन से स्थान में है उसको लिखेंगे, फिर स्थानीय मान लिखेंगे। अंक को इकाई से शुरू करके लिखना है, 2, 6, 4, 5, 2। स्थान, स्थान कौन सा है, ये कौन से स्थान में है, इकाई में। 2 कौन से स्थान में है, इकाई में। 6 कौन से स्थान में है, दहाई में। 4 कौन से स्थान में है, सैकड़े में। 5 कौन से स्थान में है, हजार में। और 2 कौन से स्थान में है, 10,000 में। अब देखते हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। इकाई में है मतलब 2 × 1 = 2। 6 कौन से स्थान में है, दहाई में। दहाई मतलब कि 6 × 10 = 60। 4 कौन से स्थान में है, सैकड़े में। 4 × 100 = 400। 5 कौन से स्थान में है, हजार में। 5 × 1,000 = 5,000। और 2 कौन से स्थान में, 10,000 के स्थान में। 2 × 10,000 = 20,000। तो इनका स्थानीय मान हमको क्या मिल गया, इस संख्या का 25,462 का स्थानीय मान क्या होगा, 20,000 × 5,000 × 400 × 60 × 2। ये हो गया इसका स्थानीय मान। तुम स्वयं भी 5 अंकों की वाली संख्याओं बनाओ और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ और विस्तारित रूप लिखो। जैसे इन संख्याओं का इसी प्रकार से स्थानीय मान हमको निकालना है बाकी संख्याओं का, और कुछ संख्या अपने तरफ से भी बना करके उन्हें क्या करना है, हमें स्थानीय मान बताना है। अब स्थानीय मान तो हम पढ़ लिए, अब क्या करना है, ठीक पहले और ठीक पहले इन बात की संख्या हमको बतानी है। बीच में कुछ संख्या दी हुई है, अब इस संख्या के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी और इस संख्या के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी, उसे हमें लिखना है यहाँ पे खाली जगहों पर। संख्या क्या है, 98,297। तो हमको क्या देखना रहता है, दहाई की वाली संख्या, दहाई तक की संख्या को हमें देखना रहता है ना। तो दहाई के निकटतम कौन सी संख्या होगी, 98,297। तो 97 के पहले कौन सी आएगी संख्या, 98,296। वैसे ही 97 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी, 98,298। 50,932। तो दहाई के निकटतम संख्या को हमें देखना है, 32 के ठीक पहले 31 और 32 के ठीक बाद 33। 50,931। 50,933। 49,291। तो दहाई की निकटतम संख्या क्या होगी, ठीक पहले और ठीक बाद 91 के ठीक पहले क्या होता है, 90। 91 ठीक बाद 92। 49,290। 49,292। उसके बाद की संख्या 15,817। 15,817, 17 के ठीक पहले 16 और बाद में 18। 15,816। 15,818। 14,509। 14,508। 14,510। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं और किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। अब बताओ 99 की परवर्ती संख्या क्या होगी, परवर्ती मतलब 99 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी, 100। और 100 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 99। 999 की परवर्ती संख्या क्या होगी, 1000। और 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 999।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आती है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है और तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के बाद ठीक पहले दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आती है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले दो अंकों की, इसी चीज़ को कह रहा है, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, उससे ठीक पहले दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या के ठीक बाद तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। तो क्या पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या के ठीक बाद छः अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है? हाँ, संख्याओं का आरोही क्रम में याद करो। तो क्या पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999,999। ये हो गई पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? एक लाख, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, उन्हें हमें आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है और उसके बाद संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। यहाँ पे दी गई संख्याओं को हमें अवरोही मतलब कि घटते क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। संख्या क्या दी हुई है? पहली संख्या 15,775, 25,525, 20,950 और 15,975। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है? बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे फिर बढ़ते क्रमों में लिखेंगे। वैसे यहाँ पे अवरोही क्रम मतलब कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे फिर इसको बढ़ते क्रमों में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 15,775, 15,775 ये छोटी है, तो इसमें ये कौन सा निशान है? आरोही क्रम का निशान है। आरोही क्रम में ऐसा ये वाला निशान लगाते हैं और अवरोही क्रम में ये वाला निशान। 15,775 के बाद क्या आएगा? 15,975, 15,975। अब इससे छोटी बड़ी संख्या कौन सी होगी? 20,950। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी लास्ट में? 25,525। पहला 15,775 ये आएगी, उसके बाद 15,975, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 20,950, 20,950, उसके बाद 25,525। वैसे ही सभी संख्याओं को क्या करना है? हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब अवरोही क्रम में संख्या को देखते हैं। पहला क्या दिए हुए? 17,425। दूसरी संख्या है 27,246। तीसरी संख्या है 37,642 और चौथी संख्या है 47,548। तो इसमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से? 47,548 ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद 36,642 और अवरोही क्रम में का निशान कौन सा होगा? ये वाला चिन्ह, ये इस तरफ को बड़ा संख्या है, इस वजह से बड़ा जो वाला जो निशान है वो इस तरफ रहेगा और छोटा इधर। 27,246 उसके बाद कौन सी लास्ट में सबसे संख्या आएगी? सबसे छोटी संख्या है 17,425।
ये हो गया अवरोही क्रम में, ये हो गया आरोही क्रम में, इसका निशान होता है ऐसा, और अवरोही क्रम का निशान होता है ये वाला। तो बाकी संख्याओं को भी हमें अवरोही क्रम में लिखना है, और क्या करना है, सब करना क्या है कि आरोही क्रम में सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसे सबसे छोटी संख्या होगी उसको लिख कर बढ़ते क्रमों में लिखना है, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को लिखकर घटते क्रमों में लिखना है।